प्रचार किया जा रहा कि भाई अमृतपाल सिंह जी है नौजवान पीढ़ी को भड़का रहे हैं जो कि पहला वाला 84 वाला माहौल ना बन जाए इस किस तरह दे। सब तो बड़ा तो जिहड़े शरारती अंसर ने चाहे वह हिंदू होण चाहे वह सिख होण जिहड़े शरारती अंसर ने जिन्हां नूं अपनी कुर्सियां दा खतरा हो गया भी मुड़ साडे कोल कुर्सी नहीं रहनी ना प्रधानगी रहे ना जथेदारी रहे ना मुड़ के सियासत दे विच आईए उन्होंने अभी कुर्सियों का खतरा हो गया वो प्रचार ये कर रहे हैं भी जिहड़ा अमृतपाल है नौजवानों भड़काउंदा वो जे अमृत छकाउण की गल कर जे अमृत छकाउणा ही भड़काउणा तो फिर कोई गल नहीं भड़काए जाणदे हजे होर भी आने चाहिए ने भड़काउण वाले वो भी जिहड़े गुरु की गल कर देखो गुरु की गल नौजवान अज बीबियां किवें रौला पा रही ने भी साडा पुत जिहदा मर गया नशे दे नाल उन्हां नूं पुछो जाके घर दे विच तो जिन्हों का बच गए ने वह कहें भी साडा मुंडा नशे दे नाल ना मरे अन्याई मौत ना मरे जे वह अमृत छक के गुरु वाला बन जू धर्म वास्ते मर जूगा तो सानू माण होगा वो माण फकर महसूस करते ने परिवार जिहड़ा हुण नशे नाल मर गया वह की आ दीवानी मुल नहीं है इस करके वड्डी जिहड़ी खतरा जिहड़ा हुण जिन्हां दा नशा बिकदा सीगा वो नशे से ठल पैंदी नज़र आ रही है लोग जागते नज़र आ रहे हैं उन्होंने हुण यही खतरा महसूस होंदा होर भाई अमृतपाल तो खतरा नहीं अमृत तो खतरा भी नौजवान क्यों अमृत वल वध रहे हैं क्यों खालसा पंथ की चढ़ती कला हो रही कई पुचवाला साहब का एक नानक सरिया मलंग जा ढिल जा वो डेरे के जाके देख लो उ लिख के लाया हुआ चमारा के भांडे ने मजबिया ने जटा के फलाने ने इहो जे डेरे बाद वाले साध ने जिन्हां नूं जात पात का बढ़ावा दिता जिन्ना चिर जात पात खत्म नहीं हुंदी उन्ना चिर जिहड़ा एक कौम आ लोट नहीं आउणी जदों गरीबां नूं असीं धक्के दिंदे आ गरीबां नूं जात पात परखदे आ जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जिन्हें सिधांत तोड़ता मर्यादा तोड़ती फिर वह सिख नहीं कहे चला सकता इस करके जिहड़ियां संप्रदावां ने इन्हां नूं भी नत्थ पाउणी चाहीदी आ जिहड़े पत्रकार ने वह मैं तुहाड़ा स्वागत करदा सारे पत्रकार वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा भी जदों कित साढ़े निहंग सिंह जथेबंदियां ने जिहड़े जथेदार ने पुछया करो भी वह कि मर्यादा थोड़े किड़े बड़े वडेरे किड़े ने करता अमृत का बाटा एक दो करते किने पंगत दो लातियां गुरु नानक देव तो महाराज जी लालो दे घरे बैठा के प्रसादा कोधरे का सकिया है तो तुम दूसर पंगत भी करते हो तुम इन्हों पालकी साहब नहीं बन देंगे तुम अमृत भी इन्हों लहरा सिखाने भी मजबीर सिंह रमदास जी अड बैठन देशों विदेशों में गुरबाणी अखंड बाणी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। अज असी श्री हरिमंदर साहब पहुंचे हैं जिथों की भाई अमृतपाल सिंह वालों अज खालसा वहीर का जथा रवाना हो रहा है उस संबंध में गलबात कर रहे हैं वख-वख जथेबंदियों के आगू इत्थे शामिल ने आओ वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी खालसा जी अज भाई अमृतपाल वालों खालसा वहीर का आगाज़ किया जा रहा जथा निकलूगा कई कई थावां ते पड़ाव होणगे उन्हां दे इस संबंध की कहना चाहते देखो सब तो पहला तो मैं गुरु साहब का कोटान कोट धन्नवाद करदा जिन्हां ने ये दिन बख्शिश किए ने पंजाब नूं लोड़ सी इस समय की उड़ीक सीगा भाई अमृतपाल सिंह ने जिहड़ा प्रोग्राम दिता खालसा वहीर का वो जिद्दण दे आए ने पंजाब दे विच जिहड़े नौजवान ने नशे छड्ड के गुरु वाले बन रहे ने हज़ारां नौजवानों ने नशा छड्डता गुरु वाले बन गए पहला जिहड़ा खंडे वाटे का अमृत तैयार हुंदा सी तख्तां दे उत्ते बुलाया जांदा सीगा तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब अकाल तख्त साहब अमृतसर इत्थे भी अमृत संचार होए हुण इसे लड़ी तहत इस मुहिम नूं अगे तोरदिआं होइआं ये पिंडां दे विच जाणी आ मुहिम शहरां दे विच कस्बिआं दे विच जाणी आ ते खालसा वहीर जिहड़ी मुहिम इहनूं तिन्न हिस्सिआं दे विच वंडिआ गिआ माझा दुआबा ते मालवा हुण श्री अकाल तख्त साहब तों अरदास होणी अज ते इस मुहिम दी शुरुआत होणी आ इत्थों पहला पड़ा जंडियाले दा फिर पड़ा दर पड़ा करते हुए माझे तो दुआबे विच दी होंदे हुए श्री आनंदपुर साहब इहदी अरदास होणी आ जाके फिर उस तो बाद इस तरह मालवे दे विच भी ये मुहिम अगे तुरूगी वो प्रोग्राम अगे दिते जाणगे
तो जोड़े नौजवान ने लोग ने मुहिम जुड़ रहे हैं। मैं सारे पंजाब वासियों बेनती करना चाहना भी आओ आप इस मुहिम का हिस्सा बनीए। देखो जिथे बड़ी गिणती दे विच नौजवानों वालों नशा छड़ के गुरुवाले बनया जा रहा उत्थे नौजवान नशा छड़ रहे ने गुरुवाले बन रहे ने। दूजे तरफ दूसरे नंबर ते जिहड़े साडे सिख गरीब सिख डेराबाद वल वध रहे ने जिवें कोई सरसे वाले दे डेरे चलिया गया राधा स्वामी डेरे चलिया गया आ पास्टरां नाल जुड़ गए कोई भनेरियां नाल रल गया ये डेराबाद नाल जिहड़े जुड़ रहे ने वह भी मुड़ इस मुहिम दे नाल मुड़ सिखी वल परतणगे। खालसा जिस तरह अज समय की लोड़ आ कि जिस तरह साडी नौजवान पीढ़ी नशे की दलदल विच फसी हुई है तो उन्होंने कड़न लई अमृत संचार जो करवाए जा रहे ने आ बहुत वधिया उपराला भाई अमृतपाल जी का। पर उत्थे जिहड़ियां विरोधी धिरां वा उन्हां विच इक प्रचार किया जा रहा कि भाई अमृतपाल सिंह जी है नौजवान पीढ़ी नूं भड़का रहे ने जो कि पहला वाला 84 वाला माहौल ना बन जाए इस किस तरह देखते दे। सब तो वड्डा तां जिहड़े शरारती अंसर ने चाहे वह हिंदू होण चाहे वह सिख होण जिहड़े शरारती अंसर ने जिन्हां नूं अपनी कुर्सियां का खतरा हो गया भी मुड़ साडे कोल कुर्सी नहीं रहनी ना प्रधानगी रहे ना जथेदारी रहे ना मुड़ के सियासत दे विच आईए उन्हां नूं कुर्सियां का खतरा हो गया वह प्रचार ये कर रहे ने भी जिहड़ा अमृतपाल है नौजवान नूं भड़काउंदा वह जे अमृत छकाउण की गल करदा जे अमृत छकाउणा ही भड़काउणा तां फिर कोई गल नहीं भड़काए जाणदे हजे होर भी आने चाहीदे ने भड़काउण वाले वह भी जिहड़े गुरु की गल करन। देखो गुरु की गल नौजवान अज बीबियां किवें रौला पा रही ने भी साडा पुत जिहदा मर गया नशे दे नाल उन्हां नूं पुछो जाके घरां दे विच ते जिन्हां दा बच गए ने वह कहिंदियां ने भी साडा मुंडा नशे दे नाल ना मरे अन्याई मौत ना मरे जे वह अमृत छक के गुरु वाला बन जू धर्म वास्ते मर जूगा तां सानू माण होगा उहदे उत्ते माण फकर महसूस करते ने परिवार जिहड़ा हुण नशे नाल मर गया उहदा की आ उहदा दवानी मुल नहीं हैगा। इस करके वड्डी जिहड़ी इह खतरा जिहड़ा हुण जिन्हां दा नशा बिकदा सीगा वह नशे ते ठल पैंदी नज़र आ रही आ लोक जागदे नज़र आ रहे ने उन्हां नूं हुण इही खतरा महसूस हुंदा होर भाई अमृतपाल तों खतरा नहीं अमृत तों खतरा भी नौजवान क्यों अमृत वल वध रहे ने क्यों खालसा पंथ की चढ़ती कला हो रही है। खालसा जी तां तुसीं डेराबाद की गल की है अज बहुत डेरे जिहड़े पंजाब विच प्रफुल्लित है जो कि एक चिंता का विषय सिख कौम नूं ढाल आ रहे हैं उत्थे कित्थे कमियां ने अपने सिख कौम दे विच प्रचारकां विच कमियां ने कि जिहदे करके अज डेराबाद खुल्लिया क्यों साडे लोग जिहड़े आ डेरियां विच जा रहे हैं। सब तो वड्डी नलायकी श्रोमणी कमेटी दी इहदे विच इह डेराबाद वधाउणा जिहड़े वड्डियां वड्डियां संपर्तावां ने इहनां दी देण आ इहनां ने सही प्रचार नहीं किया। अज मैनूं दसण श्रोमणी कमेटी दसे कोई संपर्ता दसे कोई ऐसा स्कूल हैगा कि जिथे गरीब का बच्चा फ्री पढ़ता हो 8 to Z कोई हस्पताल हो जिथे किसी गरीब का इलाज फ्री होंदा होवे दसणो तो सही किते ना किते ते जात पात इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा देता गुरु साहब ने जात पात खत्म किए अमृत छका के सतगुरां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जात पात खत्म कर दिते ये जात पात का बोलबाला हो गया जात पात जातों के आधार पर गुरु घर पिंड बने हुए हैं कोई रमदासियां का कोई मजहबी सिंघां का कोई जट्टां का कोई सीम्बियां का कोई किसी का जात के आधार पर गुरु घर बन गए जात के आधार पर ही शमशान घाट बने हुए हैं तो जातों पातों पिंड परखियां जांदियां ने माड़े वचन जिहड़े गरीब ने उन्होंने बोले जाते हैं फिर वह किधर जाण वो इन्हां दी देण आ साडी आपदी उपजा जिहड़े वो डेराबाद नाल जुड़ रहे ने उन्होंने किसी ने सुनिया नहीं परख्या नहीं हुण जे किसी गरीब का बच्चा किसी डेरेबाद ने फ्री पढ़ाता किसी गरीब का घर पाता फिर उन्होंने तो डेरे वाले चंगे ही ना बिल्कुल श्रोमणी कमेटी मरी हुई आ श्रोमणी कमेटी को अरबों का बजट आ ये की गल गरीबों की बाँह नहीं फट सकती जिन्ना डेराबाद की देण आ सरसेवाल वल जाण चाहे वह राधा स्वामी वल जाण चाहे वह ईसाइया वल जाण वो सारी श्रोमणी कमेटी की नलायकी आ वड्डियां संपर्तावां की नलायकी करके तां गरीब लोग टुट के डेराबाद नाल जुड़ रहे ने ये साडे आपदियां दी देण आ जे श्रोमणी कमेटी चंगी हुंदी पर ये ना कम ना हुंदा। खालसा जिस तरह हजारां जिहड़े आ नौजवान जिहड़े आ
अमृत छक रहे हैं तो पहले भी छकते आ रहे हैं, पर जी सा पिंडा गल करिए जिस तरह तुम्हें दसिया कि धर्म के नाते गुरुद्वारे बने, धर्म के नाते ही शमशान घाट बने, उत्थे कि जेडे जाति सूच जे कई छोटी जा जिस तरह आप मजहबी सिखा कह दें उन्होंने तो ना बहुत व्डे जे वितकरेबाजी हो रही है, जिस तरह लंगर उन्हों को सेवा करते हैं बाल्टियां खोईया जिंदियां कि नहीं तो अभी सेवा नहीं कर देनी, इस संबंध में की कहना चाहता भी कि अमृतधारियों में भी कितने कितने है तो पहले ही दस चुके हैं भी साढ़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जी खत्म करती से गुरु नानक साहब ने एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई जियो तो सांझी बालता का सदन दिता सारियां अमृत छकाया एक थामे इकट्ठे करके एक बाटे के अमृत इन्हों छकाया गुर भाई बनाता सारे भाई भाई जदों जिन्हें अमृत छक लिया वह जटपणा भी खत्म आ वो जिहड़ा चमारा वह भी खत्म आ मजबी सिंह वह भी खत्म आ असी भाई सिंह बन गए अज सिंह कह कहाने कोई तैयार नहीं कोई गरेवाल कोई सिद्धू आ इस तरह करके वह बने फिरते हैं जात का हंकार हजे हैगा। तो जिथे मैं होर तुहानू दसदा साड़िया निहंग सिंह जथेबंदियां ने बुढ़ा दाला आ बाबे बकालीए ने इन्हों दे विच बहुत बड़ा अमृत के बाटे तो इन्हों ने दो बाटे करते अमृत छकाउण वेले भी यह दूसर करते हैं इन्हों दे पंगतां दे विच भी बैठण नहीं दिंदे गरीबां नू ते पालकी साहब दे विच भी पाठ नहीं करन दिंदे इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मर्यादा तोड़ी है सिधांत खत्म करता फिर ये पंथ दे की लगते हैं ये पंथ दे वारस ये नहीं हो सकते इन्होंने बढ़ावा दिता फिर इन्हों रोकने वाला कौन आ कोई तो आवे कोई श्रोमणी कमेटी नहीं रोकती अकाल तख्त के जथेदार नू 20 बारी लिख के दिता यही कुछ उपराला कर रहा सारे ये बादल दे थले लगे हुए ने बादल परिवार का सारे उत्ते गलबात सारे सरकार लड़े रले हुए ने यह वंडे अमृत वंडता इन्होंने लोगों ने पंगत को वंडता कई पुचोला साहब का एक नानक सरिया मलंग जा ढिल जा उहदे तुसीं डेरे दे विच जाके देख लो उत्थे लिख के लाया होया चमारां दे भांडे ने मजबियां दे ने जट्टां दे फलाने ने इहो जिहे डेरे बाद वाले साध ने जिन्हां नूं जात पात का बढ़ावा दिता जिन्ना चिर जात पात खत्म नहीं हुंदी उन्ना चिर जिहड़ा एक कौम आ लोट नहीं आउणी जदों गरीबां नूं असीं धक्के दिंदे आ गरीबां नूं जात पात परखदे आ जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जिन्हें सिधांत तोड़ता मर्यादा तोड़ती फिर वो सिख नहीं कहे चला सकता इस करके जिहड़ियां संपन्नतावां ने इन्हां नूं भी नत्थ पाउणी चाहीदी आ जिहड़े पत्रकार ने वो मैं तुहाड़ा स्वागत करदा सारे पत्रकार वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा भी जदों कितें आ साडे निहंग सिंह जथेबंदियां ने जिहड़े जथेदार ने पुछिया करो भी वह कि मर्यादा थोड़े किहड़े वड्डे वडेरे किहड़े ने करता अमृत का बाटा दो करते किने पंगतां दुलातियां गुरु नानक देव तां महाराज जी लालो दे घरे बैठा के प्रसादा कोधरे दा सकिया है ते तुसीं दूसर पंगतां दे विच भी करदे हो तुसीं इन्हां नूं पालकी साहब दे विच नहीं बण दिंदे तुसीं अमृत भी इन्हां नूं लहदा सिखाउंदे हो भी आ मजबी सिंह रमदास जी अड बैठण अमृत छक के भी साढ़े बुराइयां नहीं जांदियां फिर अमृत छकन का की फायदा सानू खालसा राज चाहिए जां खालिस्तान चाहिए इस बारे की कहना चाहते खालसा राज ते खालिस्तान दे विच कोई फर्क नहीं बस सरबत शब्दां दे फर्क आ सानू चाहिए खालसा राज जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कायम किया गुरु साहब का थापड़ा लैके बंदा सिंह बहादुर ने मुगल राज जिहड़ा पूरे भारत दे विचों खत्म करता खाला जी दा बाड़ा सी मुगल राज नूं खत्म करना वह बंदा सिंह बहादुरी सी जिन्हें खत्म करता सारे भारत दे विचों मुगल राज खत्म करके खालसा राज दा आगाज किया गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज गुरु नानक देव महाराज दे नौते सिक्का चलाया खालसा राज पैदा होया फिर उस तो बाद साडे आपदे बंदियां ने उन्हां फड़ा के उन्हां नूं गिरफ्तार करा के उन्हां शहीद कराया राज भा कायम नहीं रख सके गदार बढ़ गए फिर महाराज रणजीत सिंह का राज आया उहदे विच भी साडे आपदियां ने वह जिहड़ा राज खत्म किया जदों कौम दे विच गदार बढ़ जाणा उदों फिर राज भा कदे भी स्थिर नहीं रह सकते इस करके सानू खालसा राज की अज भी लोड़ आ असीं कदों खालसा राज कहिंदे आ भी ये सानू जाण बुझ के अहसास करवाउंदे ने सानू साडे हक दे देण हक क्यों नहीं दिंदे जे बंदी सिंह रिहा किते ने कर देण वो बंदी सिंह कादे वास्ते फड़े ने उन्होंने सज़ा भी भुगत ली उन्होंने सारा कुछ कर लिया फिर नहीं उन्होंने साडे रहे दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं दूसरे पासे आ शिवसेना वाले ने जा हाँ सरकारी ने भाजपा ने वो सारे बंदे सड़ते बलात्कारी गुजरात दे विच छड्या का नहीं राजीव गांधी का कातल तमिलनाडु वाला उन्होंने छड़ता
उन्होंने इज्जत दे नाल उत्थे लैके गए ने ते बंदी सिंघां वास्ते इन्हां नूं की मौत पैंदी आ उन्हां ने तां सजावां ही भुगतनियां उन्हां नूं क्यों नहीं छड रहे ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਗਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ ਗਦਾਰ ਰਿੱਕਾ ਬੰਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਰੱਖੀਏ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀ ਉਡਿੱਕੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਿੜਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਾਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ